चर्चा की। और कल भी इस मुद्दे पर मैंने विधानसभा में 2 तारीख के बाद जो हमारे समाज के साथ हो रहा है, जो घर घर से हमारे बच्चों को उठा के थाने में ले जाकर रखते हुए नगर निगम और दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से पिटवाया गया और बीजेपी आरएसएस के गुंडों को बुला के पुलिस कस्टडी में पिटवाया गया और उसके बाद हमारे हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया गया, इससे बहुत समाज के अंदर चिंता पैदा हो गई है। ये हमें उकसाने में है, ये साजिश है हमें उकसाने की, बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। इनके उकसावे में तो हम नहीं आएंगे, पर इनको ये एहसास जरूर करा देंगे कि पूरे के पूरे देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस बार बीजेपी को जरूर हरा देगा। इस बार इनको सबक सिखा देंगे। और हमारा समाज तो शांति प्रिय समाज है, बाबा साहेब के संविधान में आस्था रखने वाला समाज है। हम सार्वजनिक संपत्ति चलाने में विश्वास नहीं करते क्योंकि वो हमारी अपनी है। ये सारी हमारे आंदोलन के बीच आरएसएस के बीजेपी के असामाजिक तत्वों ने गुंडों ने घुस के हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, हमारे लोगों पर छतों पर से पत्थर फेंके, उन्होंने आगजनी की ताकि हमारा ये आंदोलन बदनाम हो जाए। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि हम मूर्ख नहीं है, अब हम इनके झांसे में आने वाले नहीं है, हम अपने आंदोलन को सही दिशा में लेके जाएंगे। और मैं आप सबको बधाई देता हूं, पहली बार पूरे समाज के जितने भी हमारे समाज के एससी एसटी की जातियां हैं जिनको जानबूझ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर बीच में छोटी छोटी जातियों में विभक्त किया, इस ताकत को पहली बार एहसास हुआ कि हम एक हैं, हमारा मुद्दा एक है और सब जातिगत राजनीति से सबसे उठ के सबने इस आंदोलन को सफल बनाया। तो यह जो मुहिम समाज को जोड़ने की शुरू हुई है, जो समाज में जाति तोड़ो आंदोलन हमारे अपने अंदर से शुरू हुआ है, अब इस आंदोलन को हमें रुकने नहीं देना है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। मैं निवेदन करूंगा कि हम डिस्कस करने से पहले, जो 2 मेरी स्पीच है बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की हर मुद्दा उसमें आ जाए अंदर, और ऐसी बातें भी कह दी है जो किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, कोर्ट के खिलाफ बोलना लोग सोचते कंटेंट हो जाएगी जेल चले जाएंगे। हमने कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट को उसके जिम्मेदारियों का एहसास कराने की कोशिश की है। आपसे निवेदन है, अब जब ये स्पीच चलेगी आप अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए या तो साइलेंट कर लें या बंद कर लें।